पहला क्वेश्चन खबरों में रहा काजू वैली वेटलैंड किस राज्य में है। सबसे पहले हम ये कवर करते हैं ये अभी न्यूज में क्यों रहा। तो देखो काजू वैली वेटलैंड ये तमिलनाडु में है, इसको अब बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है इसलिए ये न्यूज में रहा। तो ये किस राज्य में है, ये है तमिलनाडु में। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व भी बनेगा, ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश की बात करें, भारत का पहला, आप ये कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारत में पहली बार जो मॉन्क फ्रूट है इसकी खेती स्टार्ट की गई और इसके जो बीज हैं ये चाइना से लाए गए थे। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ही पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। हरियाणा की बात करें, हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको भी स्टार्ट किया है। अब बात हुई है तमिलनाडु की, तो आप पहले इसकी लोकेशन देखें, यह है तमिलनाडु। ये देखें आसपास के राज्यों की बात करें तो केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तीन राज्यों के साथ तमिलनाडु की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। चेन्नई कैपिटल है, 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। एम के स्टालिन ये मुख्यमंत्री हैं और आर एन रवि ये राज्यपाल हैं। चेन्नई में इसकी हाई कोर्ट है जिसे मद्रास हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी। 38 जिले हैं लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुंडी नेशनल पार्क, तो ये सभी नेशनल पार्क तमिलनाडु में हैं। अब लेक देखते हैं, पुलिकट लेक ये काफी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। कोलावाई लेक, अम्बातूर लेक, कोडाई कनल लेक और सिंगा नरूर लेक, तो ये सभी लेक तमिलनाडु में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की है? तो ये जो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना है ये अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है कि देखो जो किसानों की इनकम है इसको दोगुना करना, एग्रीकल्चर क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, तो ये सभी फैक्ट आप याद रखेगा। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी दुलार योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना और घर घर औषधि योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अगस्त 2021 में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को कंगना रनौत को अपने महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय व्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया। हुनर हाट का आयोजन 16 से 26 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में किया गया। नवंबर 2021 में झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगर सोलर पार्क की आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की प्रक्रिया में है। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए आप, यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। नेपाल एक अकेला देश है जिसके साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लखनऊ कैपिटल है, 24 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन हुई। योगी आदित्यनाथ ये मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। अलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। अलाहाबाद को अब प्रयागराज नाम से भी जाना जाता है।
75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। बाउंड्री की बात करें, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, इन 9 के साथ बाउंड्री शेयर होती है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ये 7 जिले आपको नाम याद होना जरूरी है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, क्योंकि यहाँ से अभी रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। थर्ड क्वेश्चन, कब से कब तक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है? तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक ये 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2021 तक ये मनाया जा रहा है। तो बी ऑप्शन सही आंसर है। जनरल सेवानिवृत्त ये रिटायर हैं, विपिन रावत का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में छपेगा। तो आंसर हो जाएगा 2020, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन में तेजी के लिए किस राज्य को 120 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान दिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर, सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मणिपुर। अब लोकेशन देखिए आप मणिपुर की, ये रही मणिपुर की लोकेशन, इसकी बाउंड्री आसाम, नागालैंड और मिजोरम, 3 राज्यों के साथ लगती है, और म्यांमार जो है इसके साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इम्फॉल कैपिटल है, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं, ला गणेशन राज्यपाल हैं। 16 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं पीवी संजय कुमार। सिक्स्थ क्वेश्चन, एंड अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे ये मनाया जाता है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे ये मनाया जाता है। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर डे ये मनाया जाता है। और 9 दिसंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यूनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दिसंबर 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नंदा प्रोष्टी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका जो संबंध था ये था एजुकेशन से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लोवे इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया में सबसे शक्तिशाली देश के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो देखो भारत इसमें 4th स्थान पे है। पूछा जाए पहले पे कौन है, तो पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे है चाइना और तीसरे पे है जापान और चौथे पे है अपना देश भारत। तो भारत की रैंक आप याद रखेगा, भारत इसमें 4th स्थान पे है। दिसंबर 2021 में भारत के लिए फिच रेटिंग्स के आर्थिक विकास अनुमान क्या है? तो यह है 8.4%। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे, भारत और किस देश ने 6 दिसंबर 2021 को 28 समझौते किए? रूस सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 दिसंबर 2021 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया? तो गोरखपुर सही आंसर है। डेविस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? रशिया सही आंसर है। दिसंबर 2021 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव मेहता सही आंसर है। दिसंबर 2021 में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती? लुइस हैमिल्टन सही आंसर है। दिसंबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो झारखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थल सेना अध्यक्ष के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती 8 दिसंबर 2021 को किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए? किस राज्य सरकार ने 7 दिसंबर 2021 को 12 कंपनियों के साथ लगभग 5,051 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए? कौन सा देश 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? भारत ने 15 वर्षों में पहली बार लीग ऑफ अरब स्टेट्स को खाद्य निर्यात में किस देश को पीछे छोड़ दिया? किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? दिसंबर 2021 में अडामा बैरो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।